अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह, MKSA, मास्टर का M, की का K, सुवर्ण का S, अक्षर का A। तो मास्टर की एन सुवर्ण अक्षर का आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म करवाया MKSA। नए दर्शकों के मन में प्रश्न उठेगा कि भला ये क्या है। ये ग्रहों की बैलेंसिंग का एक दैनिक प्रयास है, 24 घंटों का एक प्रयोग। और जो प्रयोग थोड़े से विशिष्ट हो और जो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होते हो, उसे सदा के लिए अपने जीवन का हिस्सा भी आप बना सकते हैं। लॉन्गर टर्म में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। आज से अभी कुछ समय पहले ही, शायद एक आध घंटे पहले, इसी YouTube चैनल पर एक प्रिडिक्शन की गई कि देवगुरु बृहस्पति और राहु इकट्ठे आएंगे, चंडाल दोष का निर्माण होगा और उसके कारण भारत देश के किन क्षेत्रों में किन प्रकार की परिस्थितियां सर्जित हो सकती है, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। अब अप्रैल के अंत भाग में वो ग्रहीय परिस्थितियां बनेगी, तो आग लगे तब कुआं खोदने के लिए जाए तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। प्रिपरेशन समय थोड़ी एडवांस करनी पड़ती है। एक वीडियो डाला गया था शाबर मंत्र का, और जब से वो वीडियो डाला गया है अभी तक 35 लाख से ज्यादा उसके व्यूज है। आई रिपीट, 35 लाख, मोर देन 35 लाख। तो उस वीडियो को, शाबर मंत्र अपने आप में ही सिद्ध होता है, लेकिन फिर भी अगर मुहूर्त देख के सिद्ध करके उसे अपलोड किया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना ज्यादा रहता है। कई दर्शक पूछते हैं कि हमने हफ्ते 10 दिन देख लिया, हमें तो कंठस्थ हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, आप साथ में कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को प्रतिदिन एक बार सुनिएगा जरूर। क्यों? क्योंकि सिद्ध करके सिद्ध मुहूर्त में ही उसे डाला गया है तो उसका प्रभाव तो रहेगा। कंसल्टेंसी के केसेस में ये मैं डाल ही देता हूं कि भाई ये सुनना शुरू ही कर दीजिए, लॉन्गर टर्म में जब इसके इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे वो चमत्कारिक होंगे। उस वीडियो का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सुवर्ण अक्षर के साथ में लिखा हुआ है। तो यहां से अप्रैल के अंत भाग तक प्रतिदिन उसे एक बार जरूर से सुनते रहिए। मास्टर की के स्वरूप में करना चाहे तो 24 घंटों का एक प्रयोग है, कल के एक दिन सुनना है। और जो विपरीत परिस्थितियों की प्रिडिक्शंस की है, चंडाल दोष बने उससे पहले अगर कुछ तैयारी के स्वरूप में करना चाहिए तो ये सबसे उत्तम समय है कि इसे प्रतिदिन एक बार जरूर से सुनना चाहिए। आपके जितने अपने हैं उन तक भी इस वीडियो को जरूर से पहुंचाइएगा। अब सुवर्ण अक्षर, छोटा सा प्लेन पेपर लेना है, स्क्वायर, चौकोर, और उसके ऊपर जो अक्षर हम बताएंगे वो आपको हिंदी में लाल पेन से लिखना है। 24 घंटों के लिए उस पर्ची को अपने पास रखिए। दूसरे दिन जब नया सुवर्ण अक्षर आप लिखेंगे तो पुरानी वाली पर्ची को बीच में से दो भाग में फाड़ दीजिए, घर के बाहर किसी भी पेड़ या पौधे के नीचे रख दीजिए। पेड़ पौधा नहीं है तो कहीं पे साइड पे रखिएगा, किसी का पैर वगैरह ना पड़े। कागज को डस्टबिन में मत डालिए और जलाइएगा मत। सब कुछ पॉसिबल नहीं है तो लास्ट ऑप्शन में अपने उल्टे हाथ की हथेली के सेंटर में लिखिए। राइटी है तो लेफ्ट हैंड की हथेली के सेंटर में, लेफ्टी है तो राइट हैंड की हथेली के सेंटर में। अक्षर भी एक विज्ञान होता है, मास्टर की और सुवर्ण अक्षर इकट्ठे ज्यादा प्रभावी होते हैं, दोनों को कीजिए। कल का सुवर्ण अक्षर जो आप लिखेंगे वो है दिल्ली वाला द, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और उसके बाद वो जो मैं शाबर मंत्र का बात कर रहा हूं, जो मास्टर की में दिया, उस वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, तो वहां से ओपन करके आप देख सकते हैं। शायद एक दो साल पहले का वीडियो है, लेकिन बहुत ही प्रभावी मंत्र है, जरूर से सुनना चाहिए। अब ब्लास्टिंग बर्थडे और एनिवर्सरी, किसी भी साल में अगर 2 फरवरी आपका जन्मदिन है या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, प्रयोग एक पॉजिटिविटी पूरे साल के लिए। बर्थडे है तो खुद करना है, मैरिज एनिवर्सरी है, दोनों करें तो ज्यादा अच्छा है। हर रात में सोने से पहले ये प्रयोग करना है, हर रात में सोने से पहले ये प्रयोग करना है। आपका जो मुख्य हाथ है, मतलब आप राइटी है तो राइट हैंड, और अगर आप लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड, ठीक इस हिसाब से चलिएगा। आपका जो भी राइटिंग, अब ये मत कहिएगा कि हम तो दोनों हाथों से लिख रहे हैं। अब क्योंकि ट्रेडिशनल ज्योतिष जो फॉलो कर रहे होंगे उनका तो माथा खनकेगा, भाई ये क्या बोल रहे हो, पुरुष के लिए आप राइट बोलो, स्त्री के लिए आप लेफ्ट बोलो। भाई बताने का तरीका हमारा थोड़ा सा अलग है। आपका जो भी राइटिंग हैंड है ना,
उस हाथ में ये प्रयोग करना है सोने से पहले। मैं राइटी हूं, आपको लेफ्टी दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरे से शूट हो रहा है, ठीक। तो अंगूठे के नीचे वाला ये जो पर्वत होता है, यहां पे आपको दो या तीन दो बूंद इधर गुलाब जल रख दीजिए, रोज वाटर, अगर नहीं मिलता तो फिर दूध की कुछ बूंदे भी एक या दो बूंद रख सकते हैं, इनफ हो गया। फिर उल्टे हाथ की, मतलब मैं राइटी हो तो मेरा लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी वाली उंगली से यहां पे घिसना, ये मैं दिखाने के लिए ऊपर रख रहा हूं, आपको नीचे रख के करना पड़ेगा ना, वो गिर जाएगा, तो बस यहां पे रख के बस घिसते रहिए, दो पांच मिनट तक घिसते रहिए एंड सोने से पहले। जब उंगली थक जाए या थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर मिल्क मतलब दूध रख के कर रहे हो तो वाइट वाइट थोड़ा सा महसूस होगा, वो गुलाब जल में भी होगा, छोड़ दीजिए। फिर हाथ को धोना नहीं है, ऐसे ही छोड़ दीजिए और सो जाइए। ये प्रयोग आपको पूरे एक साल तक करना है, अगर 2 फरवरी आपका जन्मदिन है या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, एकदम सात्विक सा प्राकृतिक प्रयोग करके देखिए। अगली बर्थडे या एनिवर्सरी पे आप क्या लिखते हैं कि क्यों एमके ऐसे आपके लिए ज्योतिष का जादू बन चुका है, वो पढ़ने के लिए हम उत्सुक हैं। रूपेनार शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए, अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जय हिंद।